morning, guys. Good morning, good beautiful people. Welcome to our channel. तो आज का नया व्लॉग शुरू करें हम सुबह सुबह 8:15 बजे. आज एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी तो हम सुबह सुबह निकल लिए. और सुबह का ट्रैफिक तो आपको पता ही है, हर जगह ऑफिस टाइम, हर जगह मुझे लगता है हर जगह ट्रैफिक होता होगा ना. तो कहीं भी चले जाओ ट्रैफिक 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 ट्रैफिक. तो मैं तो अपना ना, क्योंकि सुबह का टाइम है, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ है ना. ब्रेक कहाँ गया? ब्रेकफास्ट एंड आई डोंट लाइक दिस कॉफी. पूरी कार में फूड स्मेल हो जाती है. तो फिर अब टाइम हो रहा है ना मेरा, तुम खाने का लगा के रखते हो कार में, पूरी कार में फूड स्मेल हो जाती है. नहीं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भूख लग रही है ना तो बंदा क्या करे. तो इससे अच्छा है ना अपना ब्रेकफास्ट लेके चलो. सब कुछ लेके आई हूँ मैं, चटनी मैं खा गया बाय द वे. तो शी कुड हैव डन दैट. नहीं मैं कैसे खा के आ सकती थी, 8 बजे तो निकलना था ना घर से. मैं भी खा के आया हूँ ना 8 बजे, पी के आयो. तो और मुझे ना आराम से खाने में मजा आता है कि आराम से लगे रहो. अब लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं तो आराम से खाती हूँ. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप कौन उन लोगों में से है? जैसे मैं तो ना बहुत आराम से जा रहा हूँ, जैसे स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, अभी जैसे ऑफिस के भी लॉगिन करना होता है, राइट? तो मैं तो आराम से जा रहा होता हूँ, गाने सुनते हुए और इंजॉय करते हुए. कई लोग होते हैं जो बिल्कुल 10 मिनट पहले उठेंगे और तैयार हो जाते हैं, सुसु पॉटी सब कुछ डन, ब्रश डन, कपड़े वपड़े पहन के डन. मेरे से नहीं होता 10 मिनट, मैं तो आराम से 1 घंटा पहले उठूंगा, आराम से गाने वाने सुनूंगा, तब तैयार होऊंगा. मतलब गाइस सुबह सुबह क्या मन करता है किसी का, जल्दी उठ जाओ और गाने वाने भी सुनने लग जाओ. ये मुझे तो बहुत ही लगता है से, पीसफुल एंजॉय करते हैं ना, रामल दौड़ते नहीं. बट पता है जब कई बार ना ऐसा मन करता है ना, कि मेरा भी मन करता है कई बार और जल्दी उठूंगी आराम से करूंगी सब कुछ, बड़ा मजा आएगा. वो फिर 2 दिन ही हो पाता है. फिर उसके बाद बैक टू ना 7:45 बजे. कौन गाइस कमेंट में होता है, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों में से कौन मेरी कैटेगरी में, कौन शिल्पा की कैटेगरी में, कौन जल्दी उठता है, कौन लेट उठता है. 10 मिनट में तैयार, फुल तैयार. अभी क्या कर दिया भाई? मैं नहीं ला रहा भाई तेरे को, अभी नहीं ला रहा. आज का प्लान नहीं था ये देख रहे हो मिट्टी के बारिश में. भाई गए थे अभी बारिश वारिश हुई ना रिसेंटली, तो इनका फेवरेट गांव है ये डॉगीज का ना. बट ये बिल्कुल वहां पे लेट गया, बिल्कुल पानी में. अभी थोड़ी गीली गीली हो रही है घास, उधर थोड़ा ज्यादा गीली है, धूप आ रही है बट वहाँ का सूखा नहीं है. तो ये भाई साहब ने डिसाइड किया कि चलो गंदे हो जाते हैं. डैडी मैं नहीं नहलाऊंगा तेरे को, अभी नहीं लाना पड़ेगा, बहुत गंदा है यार. मैं नहीं ला रहा यार, तुमने आने को दिया इसका, मुझे ही करना पता था रोल कर जाएगा. बड़ी बड़ी अब तेरे को भी नाइन नहीं करनी पड़ जाएगी. बड़ी बड़ी को क्यों? बड़ी क्योंकि अब दोनों नहाएंगे ना, एक दोनों नहाएगा. अब देखना थोड़ी धूप आई है ना तो अब जगह सूखने लगा, वरना यहाँ का देखो अभी गीला हो रहा है. जहाँ तक धूप है वहाँ तक देखो सूखा पड़ा है. ये देखो डैडी दिखानी है शक्ल अपनी, इधर आ इधर आ. ओ रोल वोल नहीं करना, अब गया इसका तो नहलाना पड़ेगा इसको यार. मैं ये प्लान में नहीं था यार. हाँ बोलो, बेबी की प्रॉब्लम हो गई. क्या हो गया? प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम हो गई? अचानक से देखो क्या उठता उठता है. क्या क्या उठता है देख रहे हो? ओबे बॉल किसकी आ गई? और फिर ना मैं बाहर गई देखने के लिए किसकी है, मतलब मुझे तो किसी की आवाज ही नहीं आई. क्योंकि अगर किसी के होते तो बाहर ही होते ना बच्चे बच्चे, तो मुझे तो किसी की आवाज. बट ये तो ऐसे परेशान हुए पड़े. देख रहे देखो अभी हमारे राइट में तो छोटी बच्ची है, उसका तो होगा नहीं. हमारे लेफ्ट में है गोरे अंकल, उनका भी नहीं होगा. पीछे वालों का हो सकता है. कोई नहीं, वेट कर लो. और बाहर नहीं जाना भाई, बारिश देख रहे हो कितनी आ रही है, फिर गिल्ले हो जाओगे. अभी नहाने भी करेंगे सब लोग, चलो. अगर किसी ने क्लेम नहीं करी फिर तो हमारी बॉल हो गई. बढ़िया डैडी की बॉल ये ले जाएगा कोई, ऐसे मत हंस समझा. पैकेज आ गया हर जो, बहुत ही बड़ा पैकेज है, तू नहीं उठा पाएगा. अच्छा चुन जाएगा, देख रहे तू उठा भी सकता है, ये हाइट दिख रही है इसकी. अब इतनी बारिश आ रही है तो सोच रहे हैं इनको 2-3 दिन से नहलाना कैंसिल कर देता हूँ. इनको हमने ऐसे ही हाथ फाथ धो के ना टॉवल से साफ कर दिए तो ठीक हो गए, बट फिर सूखेंगे नहीं ना, धूप ही नहीं है. तो फिर ड्रायर हम यूज़ कर सकते हैं, बट ड्रायर से टाइट ही डरेगा. तो फिर सोच रहे हैं 2-3 दिन बाद जब धूप होगी तभी नहला देंगे. चलो भाई आपको ये भी दिखा दें क्या है ये पैकेज. खोलते मुझे इतना डर लग रहा है ना. क्यों? क्योंकि इसमें है एक मिरर. सबसे पहली बात ये एरो देख रहे हो तुम, ये एरो नीचे क्यों है शिल्पा? इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल गलत जवाब. ये एरो का मतलब है ये ऊपर होना चाहिए.
बट नहीं यार मतलब नीचे ना तो ऐसा होना चाहिए ऐसे नहीं क्या इट्स ओके गाइस जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आप तो बीवी इज ऑलवेज राइट मतलब ऐसा ना चाहिए नीचे वो ठीक है हां बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने सही बोला तो मुझे इसमें खोल तो डर लग रहा है क्योंकि इनमें से मिरर है और मिरर टूटा हुआ भी निकल सकता है ऑनलाइन ए छटाना पहले इनको बोलो छोड़ टेंडर तो ए टूट जाएगा भाई देखा अभी भी उल्टा है गाइस मिरर मंगवाया शिल्पा ने मिरर लगाना था शिल्पा को ऑल राइट मौके की घड़ी क्या ये ठीक है क्या ये टूटा हुआ है नौटंकी झूठ बोल रही है टूटा हुआ झूठ बोल रही है कैसे पता तुम्हारी गंदी एक्टिंग से वापस हो ही नहीं सकता प्यार से मंगवाया था और ओहो शिल्पा तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है तुम तो स्पॉट पड़ गया मिरर पे स्पॉट पड़ गया टैडी की नाक का तो गाइस प्लान है कुछ ऐसे से यहाँ पे रखने का लेकिन मुझे ऐसे ऊपर हैंग करना है क्योंकि यू नो आपको पता ही है टैडी वर्डी है यहाँ पे तो ऊपर हैंग करूंगी अभी लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है मुझे लग रहा है छोटा लग रहा है जगह के हिसाब से अभी तो मैंने थोड़ा बड़ा ही मंगाया था लेकिन अभी भी शायद थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन मैं हैंग करके दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा आपको एक हैक दिखाना था कि ये मिरर या कुछ ऐसा कैसे लगाए ना वॉल पे तो एक टेप ले लो वैसे तो पेंटर्स टेप होती है ना वो लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है तो वो लगा के इसमें ना मार्क कर लो कि ऐसे और ऐसे और फिर यही टेप उठा के यहाँ लगा दो आप वॉल पे और फिर वहाँ पे नेल वो कर दो स्क्रू कर दो देखो इतनी स्मार्ट हूँ मैं तो गाइस ये जो मिरर मंगाया था यहाँ पे लगाने के लिए आप बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे लगा हुआ ये ऐसे मुझे लग रहा है ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है शायद छोटा नहीं लग रहा क्योंकि हमें तो हैंग करना था क्योंकि बड़ी रेडी है ना नीचे मैं रख नहीं सकती थी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है और वहाँ खाली तो नहीं लग रहा नहीं आई थिंक ज़्यादा भरा भरा लगेगा अगर यू नो ज़्यादा कर दिया तो शायद अच्छा लग रहा है आप बताना गाइस कैसा लग रहा है आपको या फिर नहीं अच्छा लग रहा तब भी बताओ ताकि मैं कुछ और जगह पे ना सोचूं पर मुझे लग रहा है कि शायद ठीक लग रहा है अब हल्के हल्के करके यू नो कर रहे हैं यहाँ के लिए अभी मुझे बार स्टूल लेने हैं तो वो ऑर्डर करूँगी बट सो फार ऐसे लग रहा है गुड मॉर्निंग गाइस अभी सो के उठा हूँ और देखो रात भर बारिश आई अभी भी बारिश आ रही है पूरे दिन बारिश आएगी और पता नहीं क्या क्या करने वाले हम लोग आराम घर में एंजॉय कर रहे हैं मतलब पकौड़े वकोड़े खाने का मन कर रहा है शिल्पा सो रही है बाय द वे भी तो अभी कितने बजे हैं 8:30 बजे हैं सुबह के और छुट्टी का दिन है तो शिल्पा सो रही है मैं तो उठ गया जल्दी क्योंकि बड़ी डैडी को वॉक पे भी ले जाना था तो बड़ी डैडी तो यहाँ बैठे हम लोग बारिश का मज़ा ले रहे हैं बस बारिश आ रही है पूरी रात भर बारिश आई है और बड़ी की आँखें तो सीधा वॉल पर हैं जो कल आई थी ना पड़ोसी की पता नहीं कौन से पड़ोसी की बट बड़ी का मन बस चला तो अभी बारिश में जाएगा लेके आ जाएगा चलो लेट्स गो चलो शिल्पा को उठा के आएंगे चलो लेट्स गो बहुत देर हो गई चलो आजा डैडी कम ओके आओ चलो शिल्पा को उठाओ जो डैडी बड़ी कम शिल्पा को उठा डैडी लेट्स गो शिल्पा को उठाएंगे कम जल्दी आ उठाओ शिल्पा को उठाओ उठाओ चलो बोलो उठ जाओ बहुत टाइम हो गया बहुत सोली उठो उठ जाओ शिल्पा बड़ी इधर है शिल्पा बड़ी इधर है शिल्पा इधर है भाई आओ यहाँ पे आओ चलो इधर से आओ कम दादी कम शिल्पा को उठो चलो उठ जाओ उठ गई चलो ठीक है बड़ी जाओ उठा गो बड़ी गो इधर 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 उठा दे बड़ी चलो उठ गई ओके ओ नो रचित दिख गए सुबह सुबह 10 बजे चीज़ खाते हुए ओ नो ओ नो रचित सुबह सुबह तो जंक मत खाओ एटलीस्ट मतलब कुछ तो बॉडी को दो जूस वूस पियो चलो गाइस गुड मॉर्निंग रचित ने सुबह सुबह मेरी वीडियो बना दी सोते सोते मुझे तो पता भी नहीं चला
तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है क्योंकि रजत ने दिखाया ना कि बारिश हो रही है। हाँ, इतनी बढ़िया वाली बारिश हो रही है आज, मजा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया हमने ब्रेड रोल नहीं खाए। सबसे पहले तो गाइस, बारिश में डॉग्स को वॉक कराना, सुसुकोटे कराना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, सोती रही। नहीं रजत, रजत झूठ मत बोलो, क्या बोला था आपने आज? पूरा वाला बोलो क्या बोला था। मैं उठी थी, फिर रजत ने बोला नहीं तू सोचा, तू सोचा, दो बार बोला, एक बार भी मान गई तो ठीक है, सो जाती हूं। तो मना कौन करेगा। तो हाँ, आज बन रही है ब्रेड रोल, ब्रेड रोल बनेगी आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चटनी पड़ी है तो ब्रेड रोल खाते हैं। शेव करनी होगी, शेव करके नहाने। हाँ चलो, रजत जा रहा है और मैच चल रहा है पीछे। साथ में मैंने रखे हैं ये काले वाले चने भिगोने के लिए, ताकि डिनर में ये बनाएंगे। हाँ गाइस, बारिश में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। इसलिए देखो, जानबूझ के ना बारिश के दिन में पकोड़े जरूर बनाती है। शिल्पा जैसे पकोड़े नहीं है, ये ब्रेड पकोड़े हैं। हाँ ब्रेड रोल, बट ये भी चलेगा। एक ही बात है, वेरी नाइस, यम्मी यम्मी। अभी मस्त धुआं धुआं निकलेगा अंदर से। खोलना जरा इसका, खोलना शिल्पा। नहीं ऐसे खाते हैं? थोड़ा खोलना ना, गर्म होगा अभी ये। गाइस देखो, अभी है ना मैंने फोटो खींच के ना अपने दोस्तों को भेजी ग्रुप में कि देखो हम ऐसे पकौड़े खा रहे हैं बारिश में, तो तुम भी खा लो। तो उनका मैसेज देखो क्या आया कि देखो हम भी खा रहे हैं। सब खा रहे पकौड़े, सब खा रहे पकौड़े। वैसे लोग शॉपिंग के लिए बाहर आए थे, ये देखो आई एम सिंगल एंड इट्स माई बर्थडे। तो ये बंदा सिंगल है तो ये आपको बता रहा है गाइज, हॉन्क इट्स माई बर्थडे। तो हॉन्क हॉन्क बजाओ, इसका बर्थडे बेचारे का, अच्छी बात है। और सिंगल भी है देखो, ऐड कर रहा है। तो इसका फ़ोन नंबर और लिख देता तो मैं ऐड कर देता ना, इसका फ़ोटो लगाया था। अगर फ़ोन नंबर और अपनी फ़ोटो लगाया था तो मैं आपको पहुंचा देता आप तक, फिर आप बता देते अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इससे बात कर लेते आगे। रजत भूख लग रही है, अब काम कर करके थक जाता है बंदा, शॉपिंग कर करके। तो क्या खिला रहे हो आज? मन कर रहा है कुछ अच्छा सा खाने का। ठंडे ठंडे मौसम में क्या खाना चाहोगे आप? गरम गरम खाते हैं कुछ। वैसे तो पता है क्या मन कर रहा है खाने का? सूप वगैरह कुछ, वो नहीं है फा वगैरह, फानी फा, हाँ फा फा पी एच ओ फा, वो वाला वियतनामीज जिसमें सूप वूप मिलता है। पिया आपने कभी? नहीं नहीं, अच्छा बनता है बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं आसपास होगा। तो जो भी मिले साथ कुछ भी ले लो, क्योंकि ना भूख लग रही है मुझे। और रजत ने लिया एक आइसक्रीम, तो उसके चक्कर में मुझे लगता नहीं हम बैठ के खा भी पाएंगे। वेलवेट टाको देखो, डब्बा भी वेलवेट रंग का है इनका, वो ही है ना देखो, वेलवेट टाको। वेलवेट रंग कौन सा होता है? देखो ना, वेलवेट रंग कौन सा? वेलवेट रंग है ये वाला, मरून सा और क्या, वेलवेट केक वाला रंग, खुश रेड वेलवेट, रेड वेलवेट बस ऐसी होता है। तो फ्राइड पनीर और मशरूम है मेरे, लेफ्ट वाला मशरूम है आई थिंक, राइट वाला फ्राइड पनीर है, अच्छा लगता है हमें। तो चलो ये खाते हैं। और बाय द वे एक नया डॉगी आ रहा है गाइस हमारे घर में, उसे मिलाते हैं आपको अभी थोड़ी देर में आने वाला है, आई थिंक 45 मिनट्स में आ रहा है। उसका नाम है लियो, और आई डोंट नो आपको पता ही नहीं पता, आप हम लोग है ना, आप यूजली आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास डॉगी क्यों आ रहे हैं नए नए, राइट? तो हम लोग डॉग रख रहे हैं लोगों के लिए। तो अगर आप लोकल हैं, डैलिस में हैं, आसपास कहीं पर हैं, तो हमें रीच आउट करें। अगर आपके पास डॉग है, कोई वेकेशन पे जाना है, हमारे यहाँ छोड़ सकते हैं आप लोग गाइस। बडी एंड डैडी आपके डॉग का खूब ख्याल रखेंगे, वीडियोज भी आएंगी। लियो आ गया गाइस, ये है जर्मन शेफर्ड मिक्स है, और ढूंढ रहे पापा छोड़ के चले गए इसका। लियो कोई बात नहीं, हम तो प्ले करेंगे, हम तो प्ले करेंगे, दो डॉगी तो और भी तो हैं प्ले करने के लिए। लियो का बेड, ब्लैंकेट भी आ गई है, और थोड़ा सा फूड आ गया उसका इस बैग के अंदर। चलो लियो आ जाओ, चलो घर एक्सप्लोर कर लेते हमारा, देख ले कैसा। हाँ, स्मेल कर लेते। और टैडी पता क्या कर रहा है, बार बार ये ब्लैंकेट उठा के ले जा रहा है। देखो अभी आपके सामने करेगा, देखना ये अभी उठाएगा ब्लैंकेट और लेके भाग जाएगा। नहीं ये बहुत ही प्यारा डॉगी है गाइस, एक बार नहीं भौंकता आज तक, नहीं भौंका जब से आया है, और पिछली बार भी जब मिला था ये हमारे डॉगी से, एक बार नहीं भौंका अभी तक। बस एक रात के लिए आया, कल चला जाएगा। चलो वाटर पी लो, सब बड़ी के बोल से क्यों पीते हैं? टैडी के बोल से तो कोई पीता ही नहीं, टैडी के बोल से तो कोई पीता ही नहीं। बड़ी डॉगी आ गया ना खेलने के लिए।
टैडी देखना फिर शुरू हो गया गाइस। जो भी डॉग आता है ना टैडी फुल प्यार देता है, फुल खेलता है उसके। हाँ अगर वो ना भी खेलना चाहे तो भी खेलता है। आई थिंक ये तो खेलना चाहता है। तो गाइस मैं रोक नहीं पाया अपने आपको आपको दिखाने से। ये देखो जरा उसके सामने लेट गया और देखना हरकतें इनकी। सही है ना, बड़ी बड़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया इनसे। बड़ी इज लाइक मैं नहीं खेल रहा। बड़ी आपको इंटरेस्ट नहीं आता क्या दूसरों से खेलने में? हैं चल कोई बात नहीं, छोके उसमें क्या हो गया। हर बंदा वो थोड़ा ना होगा एक्सट्रोवर्ट है ना, इंट्रोवर्ट भी होते हैं लोग, कोई बात नहीं। चलो तुम कर लो ना। बोलते बोलते ना सलाइवा टच सब। तो गाइस टाइम है कमेंट करने का। देना एक्साइटमेंट तो ऐसी हो जाती है हमारे घर में, सारे एक्साइटेड रहते हैं सारा टाइम। तो अच्छा आज का कमेंट है डॉक्टर श्री कुमार 8700। श्री श्रीश श्री 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 कुमार। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि I was scrolling through the shorts when I came across a girl who literally fried ice cream. I was like, why would you want to murder it so bad? By the way, we watch all your videos. You guys are a really cute couple. Oh, thank you. Oh, actually couple नहीं family बोला ना। Oh, फिर तो हम तो फिर buddy कह रहे thank you. तो हाँ पूरी family को कह रहे हैं कि बहुत बहुत cute हो। तो डॉक्टर श्री कुमार पहली बार थैंक यू भाई इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। और एक्चुअली फ्राइड आइसक्रीम तो मुझे नहीं पता था कि इतना अनकॉमन है। यहाँ तो बहुत कॉमन है अमेरिका में। आई डोंट नो गाइस आपको पता नहीं, अमेरिका में तो यहाँ पे बहुत कॉमन है। हमने भी काफी बार खाई। मैं तो हम तो बहुत बार खाई है। इवन मेक्सिकन रेस्टोरेंट पे गए थे हम लोग, वहाँ पे तो फ्राइड आइसक्रीम हमने डेजर्ट में खाई है। रजत की मम्मी पापा आए हुए थे 4 साल पहले जब इवन मेरे मम्मी पापा अमेरिका आए थे, उनको भी फ्राइड आइसक्रीम खिलाई थी हमने। तो पता है वो क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना आइसक्रीम को फ्राई कर लो तो वो जो आइसक्रीम का बॉल होता है ना एक, तो उसको इतना ज्यादा फ्रीज कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेरे तो इतने ज्यादा वो बिल्कुल फ्रोजन उसको कर देते हैं, हैं? और फिर उसके बाद उसका बैटर होता है उस पर हल्का सा बैटर पे डिप करके बस कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करते हैं तो एकदम से निकाल देते हैं। और एक्चुअली बढ़िया होती है, मैं तो बुरी बुरी लगती है, अच्छी लगी मेरे को। तो ट्राई करना आप भी, इतनी बुरी नहीं है, अच्छी लगी। कई कई चीजें फ्राई करके अच्छी हो जाती है नो डाउट। मैं तो वही कहूँ लियो का वो गीला क्यों रहता है, ये किस क्या करते रहते हैं आपस में। ये देखो ये ऐसे किसी चलती रहती है तो मुंह तो गीला रहे है ना फिर किसके। उबासी ले रहा था टेडी को आ गया किसी करने। गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर ब्लॉग टुडे। काफी लंबा हो गया होगा, आई डोंट नो, आप बताएं। गाइस एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है, आपको छोटे ब्लॉग अच्छे लगते हैं देखना या लंबे ब्लॉग अच्छे लगते हैं? क्योंकि देखो शिल्पा को लगता है लंबे ब्लॉग, उसको खुद को क्योंकि लंबे अच्छे लगते हैं ना, पर मुझे लगता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है आजकल, सब लोग इतने बिजी होते हैं तो लोगों को थोड़ा शॉर्ट में देखने का अच्छा लगता है। आप बताएं, तो आप बताएं आपको कितना कितना स्वीट टाइम क्या है आपके लिए कि 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट क्या है कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय गाइस।